सभी का बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें। शोर को थोड़ा अवॉइड करें, ट्रैफिक बहुत है बाहर और उसका शोर मेरे घर तक आ रही है। चलिए बात करते हैं साधनाओं की। साधनाओं की श्रेणी में लेकर आई हूँ यक्ष साधना। जी हाँ दोस्तों, यक्ष साधना पर अभी मैं कई वीडियोस लेकर आऊंगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यक्ष साधना होती क्या है, कितनी सच्चाई है इस बातों में, कैसे की जाती है, अगर यक्ष की सिद्धि कर ले जाए तो क्या लाभ आप पा सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ये कहते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में कभी कभी लिख देते हैं कि दीदी ये सब बेवकूफ बनाने वाले बात है, कोई यक्ष यक्ष नहीं, अप्सरा साधना नहीं होती है। तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो, आप स्किप कर सकते हैं इसे। ये कोई व्यवसायिक चैनल नहीं है, एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, ये ज्ञान का चैनल है। मैं एक छोटा सा प्रयत्न कर रही हूँ साधनाओं को उस श्रेणी तक वापस ले जाने की जहाँ साधनाओं का सही स्थान है। और पहले जो साधनाओं की वैल्यू थी जो धीरे धीरे समाज में कम हो गई है, फिर से कोशिश कर रही हूँ उसे थोड़ा सा ऊपर ले जा सकूँ। तो जो साधनाओं में दिलचस्पी रखते हैं, विश्वास करते हैं और मानते हैं कि हाँ यक्ष साधना, यक्षिणी साधना, किन्नरी साधना और अप्सरा साधनाएं होती है, इसमें विश्वास करते हैं और करने की इच्छुक है, सीखने की इच्छुक है, ये वीडियो उन्हीं के लिए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यक्ष साधना सबसे सरल है। यक्ष योनि ही बहुत सौम्य होती है। यक्ष और यक्षिणी दोनों देवी देवताओं के साथ भ्रमण करते हैं और बहुत सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। यक्ष की सिद्धि जिस जातक ने कर ली उसके जीवन के संपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं, पूरे हो जाते हैं और किसी भी कार्य में फिर कठिनाई नहीं होती। यक्ष धन की बरसात कर देते हैं और ये बरसात मैं सच में कहूंगी कि बरसात होगी। ऐसे नहीं कि आपका बिजनेस व्यापार तेज चलने लगेगा और 10-20 आप कमाने लगेंगे, नहीं। जिसे धन की बरसात कहते हैं असली जीवन में कुबेर जो होते हैं ना, वो भी यक्ष है। इसीलिए यक्ष धन अपार देते हैं। भीम यक्ष है, कई यक्ष है। मैं आने वाले समय में कई यक्ष साधना की वीडियो लेकर आऊंगी। यक्ष साधना 3 दिन से 21 दिन तक होती है और ये एक बार में संपूर्ण हो जाती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हाँ ये एक बार में संपूर्ण हो जाती है, सिद्ध हो जाते हैं यक्ष, और किसी कारण से आपने कोई त्रुटि कर दी और यक्ष सिद्ध नहीं हुआ, तो आप नहीं कह सकते कि दीदी आपने बताया था हमने किया और हुआ नहीं। साधना बहुत बड़ी चीज है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, संकल्प सही से लीजिएगा। एक बार में ना हो तो 2 बार में हो, कई कई साल भी किसी को लग जाते हैं। पर कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने यक्ष को एक बार में 3 दिवसीय साधना में सिद्ध कर लिया और करवा लिया अपने जीवन के संपूर्ण कार्य। शक्ति देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, धन की बारिश करते हैं, सिद्धियां सिखाते हैं, कई गुप्त विद्याएं सिखाते हैं यक्ष। यक्ष की कद जो होती है वो 15 से 20 फीट की होती है और वो अगर अपने स्वाभाविक रूप में हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर इंसान बहुत घबरा जाता है, डर जाता है, वो उनसे मांगेगा क्या, वो परेशान हो जाता है। इसीलिए यक्ष मनुष्य के रूप में आते हैं और यक्ष जब मनुष्य के रूप में आपके सामने आते हैं, हमारे सामने आते हैं, तो वो एक पुरुष के रूप में आते हैं। बहुत गठीला शरीर होता है, खूबसूरत होते हैं देखने में और सौम्य स्वभाव के होते हैं। वो जब बात करेंगे आपको तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कोई देवी देवता श्रेणी के इंसान है, साधारण लड़का तो नहीं है। बहुत गठीला शरीर होता है, खूबसूरत आकर्षण चेहरा होता है, चेहरे से नजर हटेगी नहीं यक्ष अगर लड़के के रूप में सामने आ जाए तो। पुरुष होते हैं और बहुत मजबूत पुरुष होते हैं, उन्हें देखकर लगेगा कि ये तो पूरा पूरा पर्वत ही उठा लेंगे, ऐसे शरीर वाले यक्ष होते हैं। पर उनका उनका सही जो कद होता है, अगर उसमें आप दर्शन करना चाहेंगे, आप उनसे कहेंगे कि मुझे आप अपना स्वाभाविक दर्शन दीजिए, तो वो 15 से 20 फीट हाइट के होते हैं और खूबसूरत होते हैं और बहुत सारे आभूषण पहने हुए होते हैं। जैसा हम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, मैगजीन में या गूगल में कोई तस्वीर देखी होगी, वैसे होते हैं यक्ष। हर यक्ष के अलग अलग मंत्र होते हैं, जैसे अप्सरा साधना के होते हैं, यक्षिणी साधना के होते हैं। मैं अपने आने वाले समय में बहुत सारे यक्ष साधना लेकर आऊंगी। यक्षों की जो साधना होती है वो 3 तरह से कर सकते हैं आप। सात्विक साधना कर सकते हैं, राजसी साधना कर सकते हैं और तामसिक साधना कर सकते हैं। इसके मंत्र अलग अलग होते हैं, भोग लगाने का तरीका अलग अलग होता है। आने वाले समय में मैं सारी बताऊंगी। लाल हकीक की माला से ये साधना पूर्ण की जाती है। इसमें मिठाई का भी भोग लगता है, फल का भी भोग लगता है और विशेषकर शराब का भोग लगता है। जी हाँ दोस्तों, यक्ष साधना में शराब का भोग लगता है और इसमें लाल कपड़े पहने जाते हैं, लाल आसन बिछाए जाते हैं और यक्ष की एक मूर्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। यक्षों की मूर्ति आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, आप मिट्टी से खुद एक सुंदर सा मूर्ति बनाए, उससे जेवर आभूषण पहनाए, सुंदर सा सजाए और उसे ही यक्ष मान ले। इसमें एक कलश की स्थापना होती है, कलश पे एक ढक्कन चाहिए, एक नारियल चाहिए
और मैं जैसे जैसे यक्ष साधना बताते जाऊंगी, जिस यक्ष का नाम लेकर आप उसके अनुसार ही सामग्री का चयन करें। पर हकीक की जो लाल हकीक की माला मैंने बताई वो कॉमन है, आपको उसी से सारे मंत्रों का जाप करना है, 3 दिन से 21 दिन तक करना है। और जो ये साधना सिद्ध कर ली तो ये जीवन आप एक राजा राजसी जीवन जिएंगे, आप हर काम बनेंगे, आपके हर बिगड़े काम बनेंगे, हर नामुमकिन काम बनेंगे, आपको जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी, कुछ ऐसे काम भी बनेंगे जो असंभव हो। दोस्तों मैं एक बात बताती हूँ, ये बहुत साधकों ने मुझे अंदर से बताई है, गुरु समझकर बताई है, बहन समझकर बताई है, जिन्होंने यक्ष साधना करके रखी है और समाज के अपने कई छोटे बड़े काम निकालवाते रहते हैं। यक्ष अगर आपने सिद्ध कर ली तो यक्ष आपका हर काम करता है और यक्ष कभी भी नेगेटिव काम नहीं करता। आप उससे किसी को गलत काम नहीं करवा सकते, किसी का अपहरण नहीं करवा सकते, किसी को आप मार नहीं सकते, कोई भी नेगेटिव वो गलत काम यक्ष आपके लिए नहीं करता है। वो धन की बारिश कर देगा, आपको एक राजसी सुख वाला जीवन देगा और आपके सारे बने बिगड़े काम को वो सवार देगा, आपकी जिंदगी सवार देगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ यक्ष साधना पर आने वाले वीडियोस आपको पसंद आएंगे। और मेरे चैनल्स पे अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे साधनाएं बहुत सारे टोटके उपाय लेकर आती हूँ अपने इस चैनल पर। तो यक्ष साधना प्रारंभ होती है, नेक्स्ट एपिसोड में मैं भीम यक्ष साधना सिखाने जा रही हूँ, जो बहुत बल देता है, शक्ति देता है, उसके लिए आने वाले एपिसोड का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपनों के साथ। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जितने बड़े बुजुर्ग मेरे वीडियो को देख रहे हैं चैनल छूकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सारे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और सारे छोटे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।